नानक दुखिया सब संसार, दुखी सारे हैं, कोई फिजिकल पेन से, कोई फाइनेंशियल पेन से, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं और कोई अटेंशन सीक करने की कोशिश कर रहा है, कोई टू मच अटेंशन या इंटरवेंशन से भी परेशान है, किसी को स्टेटस को लेकर परेशानी हो रही है बिकॉज ही और शी वॉन्ट्स टू मेंटेन देयर स्टेटस, एंड किसी को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है, कंटिन्यूस फेलियर्स ने एक अनसक्सेसफुल का टैग भी लगा दिया है, डिप्रेस्ड कौन है? कुड बी यू, मी, एनीवन अराउंड अस. बट द स्केरियस्ट थिंग इज दैट ऐसा भी हो सकता है दैट वी कुड बी अ कॉज ऑफ डिप्रेशन फॉर पीपल अराउंड अस. ऐसा लगता है कि डिप्रेशन और कोरोना वायरस का एक क्लोज कनेक्शन है. आई थिंक दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली. वी टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल. अभी हम बात करते हैं लॉकडाउन की. ओके, सो लॉकडाउन खुला भी है but still a lot of people are working from home and काफ़ी महीने हो गए हैं. We have been with our families. Some are working from home, some are still stuck because काम ही नहीं है बाहर. So basically बच्चे, बुजुर्ग, spouses के साथ हम लोगों को quality time मिल रहा है. So that's an opportunity which we've never actually got in our life before. And so ये मौका बढ़िया है and it's cool. But why kids go to school? Why we as bread earners go out, उसकी वैल्यू हमें आज पता चल रही है. यू नो कि हम एक काम क्यों करते हैं. स्पेस. वी नीड स्पेस टू ग्रो, टू इंट्रोस्पेक्ट, टू लर्न थिंग्स आवर सेल्व्स. गिरते पड़ते हमें उसकी हैबिट पड़ चुकी है एंड वो चीज़ अभी प्रेजेंटली मिसिंग है. यू नो ये कुछ पिछले 3-4 महीने से होना शुरू हुआ है एंड सबको एक स्टक इन द रट वाली फीलिंग आने शुरू हो गई है. लेडीज आर कुक्ड अप विद न्यू रेसिपीज एवरी डे. यू नो लॉट ऑफ पीपल, प्रोफेशनल्स आर मिसिंग आउट द स्मोक ब्रेक्स, दे आर मिसिंग आउट द गॉसिप सेशंस इन द ऑफिस, दे आर मिसिंग आउट द जीरो मीनिंग मीटिंग्स. सो ये हो रहा है घर पे बैठकर, वो फीलिंग आ रही है. चिल्ड्रन, अरे उफ, वो ना बेचारे दिखते बड़े मस्त हैं. ऐसे लग रहा है कि बड़ी मस्ती मार रहे हैं, सारा दिन टीवी देख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन लेके बैठे हुए हैं. एक चीज़ बंद होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है. स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, लेट उठते हैं और रात को बहुत देर से सोते हैं, तो बॉडी क्लॉक का तो बैंड बजा हुआ है. ऊपर से हमें लगता है कि ये बिल्कुल नहीं सुन रहे हमारी बात. हम जिस बात के लिए भी बोलते हैं या टोकते हैं, वो हमारी बात को इग्नोर कर देते हैं. इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हुए पड़े हैं. पर एक्चुअल में ये लोग सबसे ज़्यादा दुखी हैं, सबसे ज़्यादा लोनली हैं. उनके पास ऐसा क्या है करने को कि वो यू नो दे पीएचडी थोड़ी कर रहे हैं अभी वो इस टाइम पर. उनके लिए इस टाइम में बिजी रहना बहुत मुश्किल है. दे डोंट हैव फ्रेंड्स, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल एंड वो स्कूल का टिफिन टाइम, टीचर्स के साथ प्रैंक्स करने. अगर चुप रहने वाला बच्चा भी है ना, तो भी वो अपने फ्रेंड्स को और अपने क्लासमेट्स को मिस कर रहा है. एंड वो जो सारी चीज़ें स्कूल में करके वो सीखता है, वो सब वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा लोनली है. तो उस लोनली टाइम को, उस टाइम को फिलअप करने के लिए वो इस तरह की चीज़ों को कर रहा है. एंड हमें लगता है कि वो इनडिसिप्लिन में आ गए हैं बहुत ज़्यादा. ऑफकोर्स इनडिसिप्लिन है, बट वो इसी वजह से है बिकॉज उनको ये मौका मिल रहा है करने का. बट अगर आप सोच रहे हो कि वो बहुत खुश हैं, देन यू आर मिस्टेकन. अब हो क्या रहा है एक्चुअली, ये बच्चों की भी स्ट्रगल चल रही है, हमारी भी चल रही है, घर के हर मेंबर की चल रही है, एक इंटरनल स्ट्रगल इस सब से कोप अप करने के लिए. एंड बिसाइड्स दिस इंटरनल स्ट्रगल दैट वी ऑल आर गोइंग थ्रू, हम लोग बाहर जो स्ट्रगल चल रही है उसको भी फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं. सो ये दोनों चीज़ें, ये जो फाइट चल रही हैं इस टाइम पर, वो लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर रही है बिकॉज आप अपने आप को भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो नए एनवायरनमेंट में, और आप बाकी सबके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. तो ऑफ कोर्स एक ट्रॉमेटाइजिंग सी सिचुएशन हो जाती है कई बारी, एंड दैट्स व्हाट अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन. सो बेसिकली जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द ट्रॉमा दैट्स गोइंग ऑन. एंड ये ना खाली लोनली लोगों का नहीं होता. So if you're thinking that depression is related to people who are lonely in life, then I think you're mistaken because it has a lot to do with people who are surrounded by many other people but are unable to speak their heart out.
और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है विच वी नीड टू बी वेरी ऑफ।